हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सबको। टुडे वी आर गोइंग टू टेक द 12th क्लास चैप्टर 1 फ्रॉम द पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिस बुक एंड चैप्टर नेम इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। टुडे वी आर टेकिंग द एनसीईआरटी पेजेस 3, 4 एंड 5। सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट दैट What are the challenges of the nation building after the independence? When India got independence, what were the challenges in front of us? Firstly, we will read about the unification, ekta, desh ko ek banane ki chunauti aur dusri establishment democracy, loktantra kayam karne ki chunauti. एंड थर्ड वन इज होमोजीनियस डेवलपमेंट। इट मीन्स दैट हमें जो है सिर्फ एक तबके का या एक वर्ग का ध्यान नहीं रखना था, सभी वर्गों के विकास की ओर ध्यान देना था। इस प्रकार आज हम इन तीन चुनौतियों के बारे में पढ़ेंगे। चैलेंजेस फॉर द न्यू नेशन। एट द हवर ऑफ मिड नाइट ऑन 14-15 अगस्त 1947 इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस। Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of the Free India, addressed a special session of the Constituent Assembly that night. This was the famous Tryst with Destiny speech that you are familiar with. Here, student, you will see that at the hour of midnight, Ardh Ratri ko 14-15 August 1947 ko humne azadi prapt ki। उस समय जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक स्पेशल एड्रेस किया। दैट वाज द स्पीच फेमस एज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के रूप में प्रसिद्ध है। दिस वाज द मोमेंट इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर। यही वो क्षण था जिसका पूरे भारतीयों को इंतजार था। यू हैव रेड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स दैट देयर वर मैनी चॉइसेस इन अवर नेशनल मूवमेंट, बट देयर वर टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन। हम सबके सामने दो ही लक्ष्य थे। जब हमने आज़ादी प्राप्त की तो हमारे सामने दो लक्ष्य थे। वन दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि हम अपना देश जो है, अपनी सरकार जो है, प्रजातांत्रिक रूप से चलाएंगे। एंड द सेकेंड वन दैट द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स। ये डिसाइड किया गया कि सरकार जो है सबके भले के लिए काम करेगी, खासतौर गरीब और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए। नाउ दैट द कंट्री वॉज इंडिपेंडेंट द टाइम हैड कम टू रियलाइज द प्रोमिस ऑफ फ्रीडम। अब देश आजाद हो चुका था, उस आज़ादी के वायदे को निभाने का समय आ गया था। This was not going to be easy, but this was not going to be easy. इतना आसान काम नहीं था। India was born in very difficult circumstances. भारत को जैसी आज़ादी मिली थी वो बहुत कठिन परिस्थितियों में मिली थी। Perhaps no other country by then was born in a situation more difficult than that of the India in 1947. जैसा कि भारत ने 1947 में जिस परिस्थितियों में आज़ादी पाई थी, शायद ही किसी देश ने पाई हो। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। फ्रीडम मिली बट विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, देश के विभाजन के साथ। द ईयर 1947 वॉज ए ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंट वायलेंस एंड ट्रामा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये अपने साथ जो है बहुत ज़्यादा हिंसा और विस्थापन भी लेके आया। इट वॉज इन दिस सिचुएशन दैट इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्टेड ऑन इट्स जर्नी टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। Yet the turmoil that accompanied independence did not make our leaders lose sight of the multiple challenges that faced the new nation. सबसे बड़ी स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी जो विडंबना थी वो ये थी कि अब जो है हमारे नेताओं ने अपने नए नेशन के सामने जो चीज़ें फेस करनी थी वो उनके दृश्य से नहीं हट रही थी। दे हैव द मल्टीपल चैलेंजेस दैट फेस द न्यू नेशन। उनके सामने कई चुनौतियां थी
जो एक देश को फेस करनी थी, उनको फेस करनी थी। सो लेट अस सी द थ्री चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ अस। ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस थ्री काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। द फर्स्ट एंड द इमीजिएट चैलेंज वॉज टू शेप ए नेशन दैट वॉज यूनाइटेड येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन अवर सोसाइटी। इंडिया वॉज ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलोड डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स। फर्स्ट चैलेंज वॉज टू यूनाइट द कंट्री बिकॉज यू नो इंडिया इज ए नेशन ऑफ डाइवर्सिटी। हेयर मैनी पीपल्स आर डिफरेंट, आर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, आर ऑफ डिफरेंट कल्चर, आर ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स। सो इट वॉज नॉट ईजी टू यूनाइट दैम। एट द टाइम इट वॉज वाइडली बिलीव दैट ए कंट्री फुल ऑफ सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी कुड नॉट रिमेन टूगेदर फॉर लॉन्ग। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपियर टू प्रूव एवरी वन वॉज फियर्स। देर वर सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। वुड इंडिया सर्वाइव एज ए यूनिफाइड कंट्री? वुड इट डू सो बाई एम्फेसिस नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव? सो द क्वेश्चन वॉज दैट इफ वी कैन यूनाइट द इंडिया, इफ द लीडर्स आर एबल टू यूनाइट द इंडिया वेयर सो मच डाइवर्सिटी इज फाउंड, वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियसनेस एंड सब नेशनल आइडेंटिटीज? एंड देर वॉज एन अर्जेंट क्वेश्चन, हाउ वॉज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया टू बी अचीव्ड? सो दिस वॉज द फर्स्ट चैलेंज दैट हाउ लीडर्स विल यूनाइट द नेशन। एंड द सेकेंड चैलेंज वॉज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। नेक्स्ट चैलेंज वॉज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र को स्थापित करना। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सटेंडेड द राइट टू वोट टू एवरी सिटीजन। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दीज फीचर्स एंश्योर दैट द पोलिटिकल कॉम्पिटिशन वुड टेक प्लेस इन ए डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। दूसरा चैलेंज था हमारे सामने प्रजातंत्र को स्थापित करना। हमने भारतीय संविधान में पढ़ा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और मत का अधिकार दिया गया है, और भारत ने जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र को चुना है। ये फीचर्स हमें इंश्योर करते हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन वुड टेक प्लेस इन डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। अगर हम डेमोक्रेटिक प्रजातंत्र को लाते हैं तो उसमें हमें राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को भी फेस करना पड़ेगा। अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टेब्लिशिंग ए डेमोक्रेसी। द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी, एक प्रजातांत्रिक संविधान जरूरी है बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, लेकिन प्रजातंत्र की स्थापना के लिए काफी नहीं है। चुनौती हमारे सामने ये थी कि हम डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को उसको व्यवहार में कैसे लाएंगे विद द कॉन्स्टिट्यूशन। द थर्ड चैलेंज वॉज टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शंस। तीसरी चुनौती हमारे सामने ये थी कि हमने विकास करना है। किसका विकास करना है? पूरे समाज का विकास करना है, ना कि कुछ वर्गों का। हियर अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड स्पेशल प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स एंड रिलीजियस एंड कल्चर कम्युनिटीज। यहाँ ये दोबारा कह देना ठीक होगा कि हमारे संविधान में साफ लिखा गया है समानता का सिद्धांत, लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक रूप से डिसएडवांटेज ग्रुप और धार्मिक और कल्चर कम्युनिटीज को अलग से जो है स्पेशल प्रोटेक्शन दी गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव। संविधान के अंदर साथ साथ प्रजातांत्रिक राजनीति में कुछ ऐसे लक्ष्य भी रखे गए हैं जैसे कि नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में। द रियल चैलेंज नाउ वॉज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। जो वास्तविक चुनौती थी हमारे सामने वो ये थी कि हम गरीबी को हटाने के साथ साथ आर्थिक विकास के लिए क्या इफेक्टिव पॉलिसीज लाएंगे। हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस? अब हमें ये देखना है इंडिया हाउ डिड रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस, इन चुनौतियों को कैसे लिया भारत ने।
to what extent did India succeed in achieving the various objectives set out by the Constitution? This entire book is an attempt to respond to these questions. The book tells the story of politics in India, since big questions like these. In the first three chapters, we look at how the three challenges mentioned above were faced in the early years after independence. So in this book, from the very three chapters, we will study about these challenges, how the India has taken. So in this chapter, we focus on the first challenge of nation building that occupied center stage in the years immediately after independence. We begin by looking at the events that form the context of independence. This can help us understand why the issue of national unity and security became a primary challenge at the time of the inter-independence. We shall then see how India chose to shape itself into a nation united by a shared history and common destiny. This unity had to reflect the aspiration of people across the different regions and deal with the disparities that existed among regions and different sections of people. In the next two chapters, we shall turn to the challenge of establishing a democracy and achieving economic development with equality and justice. इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पहला चैलेंज है हमारा नेशन बिल्डिंग का है, वो कैसे हम अचीव करेंगे और क्या हमें इसको अंडरस्टैंड करना होगा, कैसे हमें राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करना है, ये हमारा प्राइमरी चैलेंज है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो हम इन सब बातों को जो है आगे आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया ने इसको फेस किया एंड हाउ इट बिकेम सक्सेसफुल टू डूइंग दिस। आफ्टर दिस वी विल रीड अबाउट द चैलेंजेस दैट वी हैव फेस्ड दैट वाई द डिस्प्लेसमेंट। टिल देन, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।